नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने 40 तक के प्रश्नों को हल किया था, जो पुस्तक और लेखक से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न लिए गए थे उसमें हमने 40 तक प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, 41वां प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक है, चार विकल्प हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और सही उत्तर चुनने का प्रयास करिए। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प है चार। तो इसका सही उत्तर होगा, अगर इनका नाम दिया जाए तो इसके लेखक हैं विलियम एच सॉफ। आगे है 42वां, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, चार विकल्प, सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है बीजक। 43वां है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, ये भाषा पूछी गई, किस भाषा में है, चार भाषाएं दी गई हैं, इसका सही उत्तर है संस्कृत। और तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वो है अवधि में, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत में। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, चार विकल्प हैं, कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए सारिपुत्र पराक्रम, ये अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, चार विकल्प हैं, सोचिए देखिए कौन सा सही उत्तर होगा। तो 45 का सही उत्तर होगा डी, कादंबरी कालिदास की रचना नहीं है, यह बाणभट्ट की रचना है। 46वां है, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं, पहले भी हो चुका है यह प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी, संस्कृत में रचित व्याकरण है, महाभाष की रचना पतंजलि ने की है, कुमार संभवम कालिदास की रचना है और दस कुमार चरितम डंडी की रचना है। आगे है 47वां प्रश्न, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, चार विकल्प हैं, चार भाषाएं दी गई हैं, इनमें सही भाषा का चयन करें। तो बाबरनामा मूल रूप से लिखी गई है तुर्की में, ये बाबर द्वारा रचित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक हैं, चार विकल्प में, से उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। इसका सही उत्तर होगा कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं, विकल्प सी सही है, सोमदेव। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के ये राजकवि थे। 50वां प्रश्न 49, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है, पहले भी ये कई बार चर्चा हो चुका था, इसका सही उत्तर होगा ये गणित। आगे 50वां प्रश्न है, विक्रमक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है, चार विकल्प हैं, चार विकल्प में कौन सा सही है, सही का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विलहन, चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। आगे है 51वां प्रश्न, 51, कामसूत्र के लेखक हैं, ये फेमस पुस्तक है, चार विकल्पों में इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी वात्स्यायन। 52 है 52वां प्रश्न, गोरा किसकी रचना है, चार विकल्प हैं, चारों विकल्प में सही उत्तर है विकल्प डी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। आगे है 53, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, देखिए
चार विकल्प हैं। विकल्प में एक अर्थव्यवस्था भी है, हमने पहले भी इसके संबंध में बताया है कि नाम से जैसे अर्थशास्त्र है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये चाणक्य द्वारा राजनीति पर लिखी पुस्तक है। आगे है 54वां प्रश्न, कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है? पहले भी हुआ है ये, इसका सही उत्तर होगा बीजक, कवितावली दोहावली, कवितावली दोहावली तुलसीदास की रचना है, सुरसागर सूरदास की रचना है। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? चार विकल्पों में जायसी ने किसकी रचना की है? तो जायसी की रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। आगे है 56, 56वां प्रश्न, कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम क्या है? ये पूछा गया है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा संग्रह है? ये सही उत्तर इसका होगा, ये नाटक है। हमारे पुस्तक और लेखक से कई भाग हैं, उसमें से हमने एक भाग में बताया है कि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक एक रचना है नाटक है और एक काव्य है। तो उसे आप देख करके सभी रचनाओं के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आगे है 57, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं? चार विकल्प, सही उत्तर है विकल्प सी पंचतंत्र, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, कथासरित सागर की रचना सोमदेव ने की है, हितोपदेश नारायण पंडित, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों को एक साथ जरूर दिया जाता है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो यहाँ पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा और हितोपदेश नारायण पंडित। आगे है 58, श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की है? चार विकल्प हैं, यानी श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की है? चारों विकल्प देखिए कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर होगा वेदव्यास। आगे है 59, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? हमने पहले भी चर्चा किया है रजनामा, रजनामा फारसी, महाभारत का फारसी अनुवाद है जो अकबर के शासनकाल में किया गया था, और महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है। आगे है 60, और आज का अंतिम प्रश्न 60वां, मिलिंद पन्हो है, क्या है मिलिंद पन्हो? चार विकल्प, सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पाली में रचित बोध ग्रंथ है जिसमें बोध भिक्षु नागसेन तथा इंडो यूनानी शासक मिलिंद पन्हों के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। आज का अंक था पुस्तक और लेखक से, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया है, जो परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपकी तैयारी में इससे मदद मिली होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज बस इतना ही, अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल प्रतियोगिता आधार ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।